जनरल राहिल के हवाले से एक ख़ास पर्सनली सवाल उनसे आपसे पूछ लूँ, पर्सनल ओपिनियन आप ज़ाती हैसियत में भी दे सकते हैं। उनकी रिटायरमेंट के हवाले से बहुत सी स्पेकुलेशन हुई, मेरा ख्याल यह है कि जो उनकी फैमिली हिस्ट्री है, मैंने मेजर अजीज़ टीवी पे भट्टी कर कल लें, कहा मेजर है, शबीर शहीद कर लें, फिर 3 साल जितनी सक्सेस उन्हें अल्लाह ताला ने शोहरत दी, ये भी शायद किसी एक के हिस्से में आई हो पाकिस्तान की एब्सोल्युटली तारीख में आई जो टोटली उनके एग्री, हिस्से में आई है। आई टोटली किस्मत है उनकी, क्योंकि वो उस वक्त इतने बिल्कुल टॉप रैंकिंग जनरल नहीं थे जितनी अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी दी, जितनी शोहरत दी। अल्लाह की इंस्पेक्टर देन जनरल होती है, मैं ऑफ ट्रेनिंग समझता एंड हूँ वैल्यूएशन वाली बिल्कुल। पोजीशन से थे ना, जहाँ आपने अपॉइंट किया, उन्हें करना क्या चाहिए? ड्यू डेट पे चले जाना चाहिए? देखिए फाइन मैं और मैंने मैंने परसों मुझे तलत हुसैन ने ये सवाल किया था। मैं समझता हूँ कि जो आपने अभी जो बातें की हैं उनकी जो विरसा है जो फैमिली के हवाले से और जो लेगेसी उन्होंने क्रिएट कर ली है ज़रबे अज़्म के हवाले से, मेरा ख्याल है जो मैं उनको थोड़ा बहुत जानता हूँ और जो आपने भी जो जिन बातों की मेरे तायद की है कि ही विल लीव ए लेगेसी जो आइंदा आने वाले वक्तों में, आइंदा आने वाले सालों में, दहाइयों में विल बी रिमेम्बर्ड। और वो लेगेसी जो है उसका उसका जो एहतराम है या उसकी जो हुरमत है वो इसी सूरत में है कि किसी को उस पे जिसको कहते हैं ना उसमें जिस तरह आप मीडिया वाले स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जी कोई एक्सटेंशन हो रही है ये हो रहा है, तो आई थिंक जो उनका उनका जो लेगेसी है या वो जो इस वक्त जो रेपुटेशन अपनी बना चुके हैं वो ही प्रोटेक्ट दैट, यू नो ही प्रोटेक्ट।